हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.2 के एग्जांपल्स, ठीक है ना। एक्सरसाइज 1.2 में हमें टाइप ऑफ सेट्स के बारे में हमने समझा था कि कितने प्रकार के हमारे समुच्चय होते हैं, ठीक है ना। तो उनके ऊपर हम आज कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। सो एग्जांपल 6 से स्टार्ट करेंगे। एग्जांपल नंबर 6 है, बताइए कि निम्नलिखित समुच्चयों में कौन परिमित है और कौन अपरिमित है। परिमित समुच्चय मतलब फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट हमें आइडेंटिफाई करना है कि जो कह रहा स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। ये जो हमारे पास सेट्स गिवन है, 5 सेट हमें गिवन है, इनमें से कौन सा सेट फाइनाइट होगा और कौन सा इनफाइनाइट सेट होगा, ये हमें फाइंड करना है। सो फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है एक्स, इस प्रकार है एक्स सदस्य है प्राकृतिक संख्याओं का। एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स मीन्स एक्स सदस्य है प्राकृतिक संख्याओं का और एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू इक्वल टू जीरो। क्या कह रहा है? x such that x belongs to natural number and x minus 1 x minus 2 is equal to 0, ठीक है ना। सो समझते हैं सॉल्यूशन में फर्स्ट वाले में हमें क्या मिलेगा। अगर हम फर्स्ट वाले को सॉल्व करेंगे तो इसमें मान लेते हैं कि एक सेट हमारे पास a है, जिसके ये तो हमें दे रखा है सेट बिल्डअप फॉर्म, ठीक है ना। अब हम इसको रोस्टर फॉर्म में लिख रहे हैं, तो रोस्टर फॉर्म में हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे, कितने एलिमेंट्स आएंगे। अगर एलिमेंट्स काउंटेबल होंगे तो हम बोलेंगे फाइनाइट सेट है। अगर एलिमेंट्स काउंटेबल नहीं होंगे, है ना, जिनकी हम गणना ना कर सकें, तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ अगर एलिमेंट या अवयव हमें मिलेंगे तो हम उसको क्या बोलेंगे कि वो एक अपरिमित या इनफाइनाइट सेट है। बात क्लियर हुई, ठीक है ना। तो सेट ए के अंदर हमें गिवन है x माइनस टू इक्वल टू जीरो, तो इसे सॉल्व करना है। तो क्या बोलेंगे हम कि x माइनस वन इक्वल टू जीरो मिलेगा या x माइनस टू इक्वल टू जीरो मिलेगा। तो यहाँ से x इक्वल टू वन एन एक्स इक्वल टू टू, तो हम बोल सकते हैं कि इस सेट के अंदर दो एलिमेंट्स हमें मिले 1, 2, और ये दोनों एलिमेंट जो हैं वो बिलोंग करते हैं या वो सदस्य हैं किसके, नेचुरल नंबर के, प्राकृत संख्याओं के। तो इस सेट ए को जिसमें दो एलिमेंट्स हैं 1 और 2, इस सेट को हम कहते हैं इनफाइनाइट सेट। क्या कहते हैं भाई इसको? फाइनाइट सेट, या इसे आप कहोगे परिमित समुच्चय, परिमित समुच्चय। बात समझ में आई? तो फर्स्ट वाला जो सेट है वो आपका हो जाएगा फाइनाइट सेट, ठीक है ना, दोनों हमें फाइनाइट सेट हो जाएगा। सेकंड वाले को समझते हैं। सेकंड वाला है एक्स, इस प्रकार है एक्स सदस्य है प्राकृतिक संख्याओं का और एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4, ठीक है ना। क्या कहा उसने? एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4, ठीक है ना। तो देखो सेकंड वाले में हमें गिवन है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 एंड एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, मतलब एक्स का जो भी वैल्यू हमें मिलेगा वो कहाँ से होना चाहिए, प्राकृतिक संख्याओं से होना चाहिए या नेचुरल नंबर से होना चाहिए। तो इसे सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, एक्स इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, प्लस माइनस अंडर रूट फोर। सो एक्स की दो वैल्यूज हमें मिली, +2 एंड -2, ठीक है ना। लेकिन जब हम इसे सेट के रूप में लिखेंगे तो हमारे पास सिर्फ एक एलिमेंट हमें मिलेगा, -2 को हम नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि -2 जो है वो नेचुरल नंबर से बिलोंग नहीं करता है। क्या बोलते हैं? -2 डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, या -2 प्राकृतिक संख्याओं का सदस्य नहीं है, इसलिए ये -2 हम सेट ए के अंदर नहीं लिखेंगे। तो सेट ए के अंदर सिर्फ एक एलिमेंट आएगा, 2। बात क्लियर हुई? इसका मतलब जो सेकंड वाला है वो भी कौन सा होगा? फाइनाइट सेट होगा, ठीक है ना। इस तरीके से सॉल्व करना है हमें ये। सो थर्ड वाला समझते हैं। कह रहा कि एक्स इस प्रकार है, एक्स सदस्य है प्राकृतिक संख्याओं का और 2x-1 इक्वल टू 0। क्या कहा? एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड 2x-1 इक्वल टू 0। सो थर्ड वाले में सबसे पहले इक्वेशन लिखते हैं 2x-1 इक्वल टू 0। उसने कहा x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। क्या कहा उसने? x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो यहाँ से वैल्यूज देखते हैं इक्वेशन को सॉल्व करके कि x की हमें क्या क्या वैल्यूज मिलती हैं। तो इसे हम लिख सकते हैं 2x इक्वल टू 1, या आप इसे लिखो x इक्वल टू 1/2, ठीक है ना। और x इक्वल टू 1/2 डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, क्योंकि नेचुरल नंबर के अंदर p/q है ना, अंश बटा हर वाली संख्या आती नहीं है। p/q के रूप में जिन्हें हम लिख सकें ऐसी संख्या आती नहीं है, डेसिमल नंबर नहीं आते हैं, दशमलव वाली संख्या नहीं आती हैं। तो इसका मतलब क्या कि 1/2 बिलोंग नहीं करता है नेचुरल नंबर से। तो सेट ए के अंदर कितने एलिमेंट्स आएंगे फिर सर? सेट ए के अंदर इसका मतलब कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा, तो उसे क्या बोलेंगे? या तो ओनली कर्ली ब्रैकेट और 5। तो आपको इनमें से कोई एक बना के आना है, या तो कर्ली ब्रैकेट या 5, ठीक है ना। सो ये कैसा सेट हो जाएगा फिर?
एलिमेंट्स काउंटेबल है, कितने एलिमेंट, जीरो, तो क्या बोलेंगे इसको, फाइनाइट सेट। बात क्लियर हो रही है, ठीक है ना। सो फोर्थ की बात करते हैं। फोर्थ कह रहा है कि x सच दैट, या x इस प्रकार है, x सदस्य है प्राकृतिक संख्याओं का और x एक अभाज्य संख्या है। क्या कहा उसने, x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x इज प्राइम नंबर। अब देखो प्राइम नंबर अभाज्य संख्या वे संख्याएं होती हैं जो या तो खुद से डिवाइड हों या वन से डिवाइड हों, है ना, डिवाइड बाई इट्सेल्फ और वन। सो ऐसी कौन कौन सी संख्याएं हैं जो या तो वन से डिवाइड होंगी या खुद से डिवाइड होंगी, वो हमें लिखना है। इसके अंदर वन को हम काउंट नहीं करते हैं, प्राइम नंबर वन नहीं होते हैं, या अभाज्य संख्या को हम, वन को अभाज्य संख्या हम नहीं कहते हैं, ठीक है ना। सो ए के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स आ जाएंगे वो हम देखना चाह रहे हैं। तो हमें टू मिलेगा। अब टू खुद से भी डिवाइड है और वन से भी डिवाइड होता है, थ्री खुद से होता है और वन से होता है। अगर हम बात करें फोर की, तो फोर टू से डिवाइड होगा, वन से डिवाइड होगा और खुद से डिवाइड हो जाएगा। लेकिन हमें क्या चाहिए, या तो वो खुद से डिवाइड हो या वन से डिवाइड हो, तो इस केस में हम फोर को नहीं लेंगे। उसके बाद आ जाएगा आपके पास फाइव, फाइव के बाद आ जाएगा सेवन, सेवन के बाद आ जाएगा एट डिवाइड हो जाएगा, नाइन हो जाएगा, टेन हो जाएगा, इलेवन, इलेवन के बाद थर्टीन, थर्टीन के बाद फोर्टीन हो जाएगा, फिफ्टीन हो जाएगा, सिक्सटीन हो जाएगा, सेवनटीन। इसी तरीके से हमें इन्फाइनाइट नंबर्स ऑफ इन्फाइनाइट नंबर मिलेंगे जो या तो खुद से डिवाइड होते होंगे या वन से डिवाइड होते होंगे, ठीक है ना। सो इस सेट ए को हम क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट सेट बोलेंगे, क्योंकि इसमें एलिमेंट्स जो हैं वो इनफाइनाइट हैं, जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते हैं। तो जो फोर्थ वाला है, फोर्थ वाला है, उसे हम बोलेंगे इनफाइनाइट सेट। क्या बोलेंगे भाई, इनफाइनाइट सेट या अपरिमित समुच्चय। ये वाला जो है वो कैसा है, अपरिमित समुच्चय है। बात समझ में आई। नेक्स्ट फिफ्थ, फिफ्थ क्या कह रहा भाई, फिफ्थ, फिफ्थ में कह रहा है कि x इस प्रकार है, x सदस्य है प्राकृतिक संख्याओं का और x विषम संख्या है। क्या कहा, x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x इज ऑड नंबर। ऑड नंबर विषम संख्या, ठीक है ना। आपको पता है कि प्राकृतिक संख्याएं जो होती हैं n, वो कहाँ से स्टार्ट होती हैं, वन टू थ्री फोर फाइव, कहाँ तक, इन्फिनिटी तक, ठीक है ना। तो इनके अंदर से हमें निकालनी है ऑड नंबर्स या विषम संख्याएं। तो वन मिलेगा, थ्री मिलेगा, फाइव मिलेगा। तो सेट ए के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स आ रहे हैं, वन आएगा, थ्री आएगा, फाइव आएगा, सेवन आएगा, ठीक है ना। सेवन के बाद नाइन आ जाएगा, नाइन के बाद इलेवन आ जाएगा, थर्टीन आ जाएगा, फिफ्टीन आ जाएगा, सेवनटीन आ जाएगा, ऐसे ही चलता जाएगा। तो इस सेट को भी हम क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट सेट, क्योंकि इसके अंदर भी जो एलिमेंट्स आ रहे हैं वो कैसे हैं, इनफाइनाइट नंबर्स हैं, ठीक है ना। सो फिफ्थ वाला क्वेश्चन भी क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें आइडेंटिफाई करना था कि कौन से सेट फाइनाइट हैं या कौन से इनफाइनाइट हैं, या कौन से समुच्चय जो हैं वो परिमित समुच्चय हैं और कौन से समुच्चय अपरिमित समुच्चय हैं, ठीक है ना। सो इसे कॉपी करेंगे, इसके बाद नेक्स्ट समझते हैं, कॉपी करेंगे इसको फटाक से। ये तो हम पढ़ चुके हैं ना पहले ही, समुच्चय कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। कौन कौन से पढ़े हमने, पढ़ा रिक्त समुच्चय हमने, पढ़ा एकल समुच्चय हमने, पढ़ा परिमित समुच्चय, अपरिमित समुच्चय और समान समुच्चय। तो उनके ऊपर हम क्वेश्चन कर रहे हैं कि किस किस तरीके से उनके ऊपर हमें प्रॉब्लम्स मिलेंगी और कैसे हमें उनको सॉल्व करना है, तो वो हम समझ रहे हैं। सो इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अपना एग्जाम्पल नंबर सेवन। सो एग्जाम्पल नंबर सेवन निकाल लेते हैं फटाक से। और हाँ, एग्जाम्पल नंबर सेवन लग रहे हैं बोर्ड पर। कह रहा है कि समान समुच्चयों के, समान समुच्चयों के युग्म छांटिए, युग्म छांटिए, यदि ऐसा कोई युग्म है और कारण भी बतलाइए, ठीक है ना। सो इसे हम इंग्लिश में भी लिखेंगे, यहाँ थोड़ा सा मल्टी लैंग्वेज लिखना पड़ेगा हमें। सो एग्जांपल नंबर सेवन, फाइंड द पेयर्स ऑफ
इक्वल सेट्स एंड द पेयर्स ऑफ इक्वल सेट्स इफ एनी गिव रीजंस यस। तो हम सेट्स लिख रहे हैं, सेट ए है, ए सेट हमें गिवन है फर्स्ट जीरो, ठीक है ना, नंबर सेकंड की बात करेंगे। बी हमें गिवन है एक्स इस प्रकार है, एक्स बड़ा है 15 से एंड है ना, और एक्स छोटा है 5 से। थर्ड सी जो पॉइंट है वो हमें गिवन है, सी सेट जो है वो हमें गिवन है एक्स इस प्रकार है, या फिर आप इनको फर्स्ट सेकंड थर्ड ना मानो, सीधा ही ए बी सी जिस तरीके से बुक में हमें गिवन है उस तरीके से ही इन्हें हम लिख लेते हैं। एक्स माइनस 5 इक्वल टू जीरो, सेट सी हमें गिवन है एक्स इस प्रकार है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 25, एंड सेट ई हमें गिवन है फाइनल सेट, ई सेट हमें गिवन है एक्स इस प्रकार है कि एक्स इज एन इंटीग्रल इंटीजर है ना, ये इंटीजर होगा, बुक में गलत गिवन है इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर इंटीग्रल पॉजिटिव या फिर इंटीजर पॉजिटिव रूट ऑफ है ना, बुक में थोड़ा सा मिसप्रिंट है, गलत लिखा हुआ है, तो उसको आप चाहो तो करेक्शन कर लेंगे, रूट ऑफ द इक्वेशन, इक्वेशन हमें गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 इक्वल टू जीरो, ठीक है ना। तो इसे हम आपके लिए हिंदी में भी लिखेंगे कि हिंदी में ये जो समुच ई है वो क्या हमें दे रखा है, तो उसको हम हिंदी में भी लिख लेते हैं। हाँ, x इस प्रकार है, x समीकरण x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 बराबर जीरो का एक धन पूर्णांक है, धन पूर्णांक मूल है, ठीक है ना। ठीक है, सो एग्जांपल नंबर 7 समझते हैं। एग्जांपल नंबर 7 कह रहा है कि समान समुच्चयों के युग्म छांटिए, यदि ऐसा कोई युग्म है और कारण भी बतलाइए, ठीक है ना। उसने कहा द फाइंड द पेयर्स ऑफ इक्वल सेट्स इफ एनी गिवन रीजंस। सेट ए की अगर बात करें तो देखो, सेट ए में एक ही एलिमेंट हमें गिवन है, ठीक है ना, जीरो। और अगर हमें एक ही एलिमेंट हमें गिवन होता है जीरो, तो उन्हें हम क्या कहते हैं भाई, एकल सेट है ना, या क्या बोलते हैं इसको, सिंगलटन सेट या एकल समुच, ऐसा हमने समझा, ठीक है ना। तो सेट ए के अंदर तो सिर्फ एक ही एलिमेंट है जीरो। सेट बी की अगर बात करें तो देखो, सेट ए हमें मिला जिसमें एक एलिमेंट है जीरो। सेट बी की अगर बात करें तो सेट बी हमें क्या कह रहा है कि एक्स सच दैट एक्स ग्रेटर देन 15 एंड लेस देन 5। अब एक बात बताओ, यहाँ पर आपके पास 5 है, यहाँ आपके पास 15 है, तो ऐसा कोई नंबर जो 15 से बड़ा यानी कि इधर से मिले आपको, और 5 से छोटा यानी कि इधर से, तो ऐसा कोई नंबर है जो 5 से छोटा है और 15 से बड़ा है, ऐसा कोई नंबर नहीं है। तो सेट बी के अंदर एलिमेंट्स आ जाएंगे जीरो, तो उसे हम बोलेंगे कर्ली ब्रैकेट और 5, ठीक है ना। सेट सी की बात करें तो उसने कहा एक्स सच दैट एक्स माइनस 5 इक्वल टू जीरो। तो सेट सी के अंदर एक एलिमेंट हमें मिलेगा एक्स माइनस 5 इक्वल टू जीरो को हम सॉल्व करेंगे तो एक्स इक्वल टू हमें मिलेगा 5, ठीक है ना। तो सी इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट के अंदर क्या बोलेंगे, 5 बोलेंगे। बात क्लियर हुई, चलो डी लिखते हैं। डी है एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर इक्वल टू 25। तो आप जब एक्स स्क्वायर इक्वल टू 25 को सॉल्व करोगे तो आपको एक्स इक्वल टू मिलेगा प्लस 5 एंड माइनस 5। तो सेट डी के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो आ जाएंगे माइनस 5 कॉमा प्लस 5। बात क्लियर हुई, चलिए सेट ई की बात करते हैं। सेट ई है एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर पॉजिटिव रूट ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 इक्वल टू 0। क्या कहा, एक्स इस प्रकार है, एक्स समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 इक्वल टू 0 का एक धन पूर्णांक मूल है। इस पर थोड़ा सा हम जोड़ देंगे इस वाली बात पे, धन पूर्णांक जो उसने कहा कि इंटीजर पॉजिटिव रूट, ठीक है ना। सो इस पर हमें थोड़ा सा
फोकस करना है कि ये इसने क्यों कहा ऐसा। चलिए तो सॉल्व करते हैं पहले इस इक्वेशन को। इक्वेशन लिख लेते हैं यहाँ पर, हम सेट ई लिखेंगे यहाँ पर। तो इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस 15 इक्वल टू जीरो। जब इसे सॉल्व करेंगे तो फैक्टर्स करेंगे, इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस सॉरी माइनस 5x प्लस 3x माइनस 15 इक्वल टू जीरो। मल्टीप्लाई करने पर माइनस 15 एक्स स्क्वायर एंड इनको सम करने पर हमें मिलेगा माइनस 2x, ठीक है ना। सो x यहाँ से कॉमन लेंगे तो मिलेगा x माइनस 5 प्लस 3, यहाँ से कॉमन लेंगे तो मिलेगा x माइनस 5 इक्वल टू जीरो। सो x माइनस 5 एंड x प्लस 3 इक्वल टू जीरो हमें यहाँ से मिला, ठीक है ना। अगर हम यहाँ से वैल्यू निकालें x की तो हमें मिलेगा प्लस 5 और x हमें मिलेगा माइनस 3, ठीक है ना। लेकिन उसने हमसे क्या कहा, पॉजिटिव इंटीजर, क्या कहा, इंटीजर पॉजिटिव रूट या धन पूर्णांक। तो इसका मतलब क्या कि नेगेटिव वैल्यूज हमें नहीं मिलेंगी, क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर क्यों कौन से होते हैं, जो प्लस के होते हैं, है ना। तो माइनस 3 हम इसमें नहीं ले सकते। तो इस सेट ई के अंदर एक एलिमेंट आएगा ओनली 5। तो आपको क्या फाइंड करना था, इक्वल सेट्स, ठीक है ना, इक्वल सेट या समान समुच्चयों का युग्म। तो वो युग्म कौन सा मिला, चेक करो सेट ई एंड सेट ई। तो क्या बोलेंगे, सेट ई एंड सी आर इक्वल सेट्स, ठीक है ना, समुच्चय ई तथा सी समान समुच्चय हैं, ऐसा हम बोलेंगे। सो इस तरीके से एक एग्जांपल को सॉल्व करना था हमें, ठीक है ना। बहुत ही सिंपल सिंपल हमें ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे टाइप ऑफ सेट्स के ऊपर। सो इसे कॉपी कर लेंगे, उसके बाद नेक्स्ट समझते हैं। कॉपी करेंगे इसको, ठीक है। तो एग्जांपल नंबर 8 समझते हैं, एग्जांपल नंबर 8 क्या कह रहा है। और जिनके पास बुक नहीं है वो बुक परचेज कर लेंगे, हमें एनसीईआरटी वाली बुक चाहिए ना। इस बार आपका कोर्स चेंज हो चुका है, आरबीएससी वाली बुक नहीं चलेंगे, हमें एनसीईआरटी वाली बुक चाहिए, तो आप बुक परचेज कर सकते हो। एग्जाम्पल नंबर 8 कह रहा है, निम्नलिखित समुच्चय युग्मों में से कौन से समान हैं, अपने उत्तर का औचित्य बताइए, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट हमें दे रखा है एक्स शब्द अलॉय, के अक्षरों का समुच्चय, तथा बी शब्द लॉयल के अक्षरों का समुच्चय। सेकंड, ए इक्वल टू एन सच दैट एन बिलोंग्स टू जेड तथा एन स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4 और सी और बी इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर तथा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ऐसा हमें गिवन है।
और वो हमसे पूछना चाह रहा है कि निम्नलिखित समुच्च युग्मों में से कौन से समान समुच्चय हैं, तो इक्वल सेट्स के बारे में वो बात कर रहा है, ठीक है ना। सो क्वेश्चन हमें इंग्लिश में भी लिखना होगा, सो इसे लिख लेते हैं हम, ठीक है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स आर इक्वल जस्टिफाई योर आंसर, ठीक है। फर्स्ट वी हैव x the set of letters, एंड अच्छा जिनके पास बुक नहीं है ना वो क्वेश्चन भी मेरे साथ ही कॉपी कर लेंगे ताकि उनको सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम ना आए, ठीक है ना। तो आप साथ के साथ क्वेश्चन भी सॉल्व कर मतलब कॉपी करते जाइए, ठीक रहेगा ये। लेट अस इन लॉयल नंबर सेकंड, ए इज इक्वल टू एन सच दैट एन बिलोंग्स टू जेड एंड एन स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4, एंड सेकंड में ही बी पार्ट है, एंड बी x such that x belongs to real number and x square minus 3x plus 2 is equal to 0. Yes. ठीक है। So example number 8 कह रहा है कि निम्नलिखित समुच्च युग्मों में से कौन से समान हैं, अपने उत्तर का औचित्य बताइए। क्या कहा उसने? Which of the following pairs of sets are equal justify your answer? ठीक है ना। तो ये हमें कुछ दो पॉइंट गिवन है, इनमें से हमें बताना है कि इक्वल सेट्स कौन से हैं, ठीक है ना। ये इन दोनों में ये इक्वल हैं या ये इक्वल हैं। सो फर्स्ट वाला है कह रहा है एक्स शब्द ओले के अक्षरों का समुच्चय तथा बी शब्द लॉयल के अक्षरों का समुच्चय है, ठीक है ना। फर्स्ट वाला पहले सॉल्व करेंगे सॉल्यूशन में। क्या कहा उसने? उसने कहा एक्स द सेट ऑफ लेटर्स इन ओले एंड बी द सेट ऑफ लेटर्स इन लॉयल। सो इसमें हम समझते हैं फर्स्ट वाले में कि x एक सेट हमें गिवन है और वो सेट क्या है, सेट ऑफ लेटर्स इन ओले, मतलब ओले में जितने भी लेटर्स हैं उनका सेट। देखो ओले में कौन कौन से लेटर्स हैं, देखो a है, l है, o है एंड y है। जितने भी लेटर्स होंगे सेट के अंदर किस में आएंगे, स्मॉल लेटर में आएंगे, ठीक है ना। अच्छा एक सेट हमें गिवन है b एंड बी द सेट ऑफ लेटर्स इन लॉयल। क्या कहा उसने? तथा बी शब्द लॉयल के अक्षरों का समुच्चय है। बी जो है वो लॉयल के अक्षरों का समुच्चय है। तो लॉयल में कौन कौन से लेटर्स आ रहे हैं, देखो एल ओ वाई ए, बात क्लियर हुई। अब यहां पर आप कंपेयर करो सेट x को एंड सेट b को कि क्या दोनों सेट इक्वल हैं, तो यस है ना। जितने एलिमेंट्स इसमें हैं उतने ही एलिमेंट्स इतने हैं इसमें हैं, और एलिमेंट्स भी क्या हैं बेटा, सेम हैं, y y o o l l। सो क्या बोलेंगे? सो सेट x एंड b आर द इक्वल सेट्स, आर द इक्वल सेट्स, बात क्लियर हुई, ठीक है ना। सेकंड पॉइंट करेंगे, ये फर्स्ट वाला था अपना और अब हम समझ रहे हैं सेकंड वाला। सेकंड कह रहा है कि एक ए इज इक्वल टू एन, इस प्रकार है एन सदस्य है किसका, इंटीजर्स का, है ना, पूर्णांक का। ये जेड को, पूर्णांकों को हम जेड से प्रदर्शित करते हैं, पूर्णांक। एन सदस्य है पूर्णांक का तथा एन स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4। सो एन स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4 सेट ए, हम यहाँ लिखेंगे कि सेट ए हमें क्या मिलेगा, एन स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4 को जब आप सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलने वाला है, देखो एन स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4, ये वाला क्वेश्चन हमने पहले भी किया था। इसमें अगर हम एन बिलोंग्स टू जेड, मतलब जेड क्या है,
जेड है आपके पास माइनस थ्री माइनस टू एंड माइनस वन जीरो वन दिख नहीं रहा होगा ऊपर वन टू थ्री, तो ऐसा चलता जाता है। ये आपका क्या होता है, पूर्णांक होता है। तो इसमें से आपको वैल्यूज लेनी है, एन लेना है, एन बिलोंग्स टू जेड। उसने कहा क्या कहा, एन बिलोंग्स टू जेड। तो एन स्क्वायर पे आप एन क्या क्या रख सकते हो, आप जीरो रख सकते हो, जीरो लेस देन इक्वल टू फोर यस हो जाएगा, सही है। आप वन रख सकते हो तो वन स्क्वायर हो जाएगा, तो वन लेस देन इक्वल टू फोर ये भी सही है। आप माइनस वन रखोगे, माइनस वन रखोगे तो अब तो भी आपको ये क्या मिलेगा, माइनस वन का स्क्वायर क्या होता है, वन ही होता है, तो भी आपको यही मिलने वाला है। आप टू रखोगे तो टू स्क्वायर यानी कि फोर लेस देन इक्वल टू फोर, तो ये भी सही है क्योंकि इक्वल का साइन इसमें भी लगा हुआ है ना। आप माइनस टू भी रखोगे तो भी आपको यही मिलेगा, लेकिन आप थ्री रखोगे तो ये स्टेटमेंट जो है वो गलत हो जाएगा क्योंकि थ्री स्क्वायर हो जाएगा नाइन, और नाइन जो है वो फोर से छोटा नहीं होता है, फोर से बड़ा होता है, तो ये वाला स्टेटमेंट हो गया गलत। आप माइनस थ्री लोगे तो भी आपको यही स्टेटमेंट मिलेगा। तो इसका मतलब क्या कि आपके पास जो एलिमेंट्स आने वाले हैं तो वो कौन सा आएगा, यहाँ से जीरो, यहाँ से माइनस वन कोमा वन, एंड यहाँ से आपके पास आ जाएगा माइनस टू कोमा टू। सो ये एलिमेंट्स आएंगे इस सेट ए के अंदर। बात क्लियर हुई, एन स्क्वायर लेस देन इक्वल टू फोर उसने कहा, तो एन आपको लेना है कहाँ से, पूर्णांकों में से। और पूर्णांकों में से आप क्या क्या ले सकते हो, आप नेगेटिव वैल्यू भी ले सकते हो और पॉजिटिव वैल्यू भी ले सकते हो। तो आपने पॉजिटिव वैल्यू ली या फिर आपने जीरो से स्टार्ट किया, जीरो स्क्वायर किया, तो क्या वो फोर से छोटा है, यस छोटा है, तो बोल देंगे कि हाँ इस सेट ए के अंदर जीरो आएगा। फिर आपने यहाँ से वन लिया, वन स्क्वायर किया, वन स्क्वायर किया, फोर से छोटा होगा, यस छोटा होगा, तो इसमें वन भी आएगा। फिर आपने माइनस वन लिया, माइनस वन का स्क्वायर किया, तो वो भी आपको कितना मिला, वन मिला, तो क्या वो फोर से छोटा है, यस छोटा है, तो इसमें माइनस वन भी आएगा। फिर आपने टू रखा, टू स्क्वायर किया, आपको मिला फोर, क्या फोर फोर के इक्वल है, यस इक्वल है, और इसमें इक्वल का साइन भी है, तो टू एलिमेंट भी आ जाएगा। सिमिलरली माइनस टू भी आ जाएगा। इसके बाद कोई एलिमेंट्स नहीं है जो इस स्टेटमेंट को क्या कर रहे हो, फुलफिल कर रहे हो, ठीक है ना। तो स्टेटमेंट क्या हो रहा है, गलत हो रहा है। अगर आप थ्री स्क्वायर, अगर आप एन का वैल्यू लेते हो थ्री, थ्री स्क्वायर आपको मिलेगा नाइन, और नाइन लेस देन इक्वल टू फोर, नाइन तो फोर से छोटा नहीं होता है, वो फोर से क्या होगा, बड़ा ही होगा, ग्रेटर देन फोर है। सो ए के अंदर ये एलिमेंट्स मिलेंगे, एंड यहाँ हमें गिवन है ए इक्वल टू दिस एंड बी इक्वल टू एक्स। इस प्रकार है एक्स सदस्य प्राकृतिक वास्तविक संख्याओं का, एक्स सदस्य है वास्तविक संख्याओं का, तथा एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू इक्वल टू जीरो। क्या कहा उसने, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू रियल नंबर एंड एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू इक्वल टू जीरो। तो सबसे पहले इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू इक्वल टू जीरो, फर्स्ट वाला तो यही हो गया था, सॉल्यूशन यहाँ चल रहा है, दिखाई दे रहा है ना क्लियरली, या फिर हम मार्कर चेंज कर रहे हैं। ये वाला तो आपका क्वेश्चन था ऊपर, उसके नीचे हम सॉल्यूशन कर रहे हैं। फर्स्ट वाले का सॉल्यूशन ये है आपका, ठीक है ना, क्या बोलेंगे कि समुच्चय ए तथा बी दोनों ही कैसे हैं, समान समुच्चय हैं। सेकंड वाला में सॉल्व कर रहे हैं, सेट ए के अंदर एलिमेंट जो हमें मिले वो हमने लिखे, एंड सेट बी का एलिमेंट अब हम निकालेंगे, क्या हमें एलिमेंट मिलने वाले हैं सेट बी के अंदर। सो इसे सॉल्व करेंगे, इसके फैक्टर करेंगे तो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस एक्स प्लस टू इक्वल टू जीरो। यहाँ से आप एक्स कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा, एक्स माइनस टू, माइनस वन कॉमन लेने पर क्या मिलेगा, एक्स माइनस टू इक्वल टू जीरो। सो आपको मिल जाएगा एक्स माइनस टू एंड एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो। अब इसके अंदर एलिमेंट्स आपके पास आ जाएंगे, एक्स इक्वल टू वन कॉमा टू, एक्स इक्वल टू वन कॉमा टू। तो सेट बी के अंदर आपको एलिमेंट्स मिल रहे हैं वन कॉमा टू, लेकिन यहाँ कितने एलिमेंट्स हैं, यहाँ तो कितने हैं, पाँच हैं, यहाँ दो हैं। क्या ये ए एंड बी इक्वल सेट होंगे, नो, ए और बी इक्वल सेट नहीं हो सकते क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या नहीं है बेटा, इक्वल नहीं है। तो एलिमेंट्स की तो दूर की बात कि एलिमेंट्स इक्वल हैं या नहीं है, वो तो हम बाद में चेक करते हैं, पहले हम चेक क्या करते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल हैं या नहीं है। सो क्या लिखेंगे इसके लिए, सो सेट ए एंड बी आर नॉट इक्वल सेट, नॉट इक्वल सेट्स। बात क्लियर हुई, ठीक है ना। सो इस तरीके से हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, बड़े ही ध्यान से हम सेट को पढ़ेंगे कि सेट है क्या, और उसको अगर वो सेट बिल्डर फॉर्म में है तो उसको हम किस में चेंज करेंगे, रोस्टर फॉर्म में चेंज करेंगे या टेबुलर फॉर्म में चेंज करेंगे या सारणीबद्ध रूप में चेंज करेंगे, और उसके बाद एलिमेंट्स को हम मिलाएंगे कि क्या एलिमेंट्स हमें सेम मिल रहे हैं। अगर सेम मिलते हैं तो हम बोलेंगे कि बोथ आर इक्वल सेट, अगर हमें सेम नहीं मिलते हैं एलिमेंट्स तो हम बोलेंगे कि बोथ आर नॉट इक्वल सेट। बात क्लियर हुई, ठीक है ना। सो कॉपी करेंगे इसको, इसके बाद हम नेक्स्ट समझते हैं, कॉपी करेंगे। सो नेक्स्ट हम एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट रीड करेंगे इसको, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल ऑफ द नल सेट, ठीक है ना।
सो हमें इनमें से बताना है कि इनमें से कौन से समुच्चय ऐसे हैं जो रिक्त समुच्चय के एग्जाम्पल हैं, उदाहरण हैं। सो सबसे पहले फर्स्ट करेंगे, फर्स्ट है सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाई टू। देखा उसने, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर डिविजिबल बाई टू, दो से भाज्य विषम प्रागे संख्याओं का समुच्चय। अब देखो कि अगर हम सॉल्यूशन में समझें कि ये सेट क्या निकल के आने वाला है, तो अगर हम फर्स्ट वाला करेंगे तो उसने कहा सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, इसका मतलब नेचुरल नंबर के अंदर आपको मिलता है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ऐसा चलता जाएगा, ठीक है ना। और इनमें से आपको क्या लिखना है कि सेट ऑफ ऑड नंबर डिविजिबल बाई टू, ऑड नंबर निकालो पहले, इसमें से आपको मिलेगा 1, 3, 5, 7, चलता जाएगा इस तरीके से। आपको पता है कि ऑड नंबर मिलेगा, ये ऑड नंबर जो है वो टू से डिविजिबल होता ही नहीं है, ऑड नंबर टू से डिविजिबल होता ही नहीं है। सो इस केस में इस सेट को हम ए कहें तो इस सेट के अंदर एक भी एलिमेंट नहीं आएगा, या तो हम कर्ली ब्रैकेट बनाएंगे या हम बोलेंगे उसके लिए फाई, ठीक है ना, कि जितने भी एलिमेंट हैं वो क्या है, ऑड है, और ऑड नंबर जो है वो टू से डिविजिबल होता नहीं है। तो इस केस में क्या हो जाएगा, ये सेट जो ए है वो सेट हमें क्या मिलेगा, नल सेट या रिक्त समुच्चय मिलेगा। सो अगर हम नल सेट की बात कर रहे थे, नल सेट का जो एग्जांपल है इसमें सबसे पहले हमें मिल जाएगा फर्स्ट, ठीक है ना, तो इससे हम बोलेंगे ये जो है वो नल सेट का या रिक्त समुच्चय का एक एग्जाम्पल है, ठीक है। सो सेकेंड पढ़ेंगे, सेकेंड कह रहा है कि सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर, क्या कहा उसने, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। अब देखो सम अभाज्य संख्या, पहले तो अभाज्य संख्या की बात करते हैं कि अभाज्य संख्या होती क्या है या प्राइम नंबर होते क्या है। तो प्राइम नंबर हम लिख रहे हैं, उसे हमने कहा सेट पी से प्राइम नंबर, तो इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट आ जाएंगे, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 5 नहीं आएगा, सॉरी 4 नहीं आएगा, 5 आ जाएगा, 6 नहीं आएगा, 7 आएगा, इस तरीके से एलिमेंट्स हमें मिलते जाते हैं, ठीक है ना। तो आपको क्या बताना है कि सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर या फिर सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। अब सम अभाज्य संख्या इसके अंदर क्या मिलेगा हमें, सिर्फ 2 मिलेगा, बाकी और कोई भी बड़ा नंबर हो, कितना भी बड़ा नंबर हो और वो सम संख्या है, कितनी भी बड़ी संख्या है और वो सम संख्या है या इवन नंबर है, क्या है, इवन नंबर है, तो हम उसको इजीली 2 से डिवाइड कर सकते हैं। तो इसका मतलब इस सेट के अंदर सिर्फ एक एलिमेंट मिलेगा हमें 2, तो ये नल सेट या रिक्त समुच्चय नहीं होगा। तो इस केस में हम इस सेकंड वाले स्टेटमेंट को नल सेट या रिक्त समुच्चय नहीं बोलेंगे, ठीक है ना। सो नेक्स्ट हम बात करेंगे थर्ड की। थर्ड कह रहा है कि एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर, एक्स लेस देन 5 एंड एक्स ग्रेटर देन 7। उसने कहा कि एक्स जो है वो प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है या प्राकृतिक संख्याओं का सदस्य है, क्या है ना, एक्स इस प्रकार है कि एक्स एक प्राकृतिक संख्या है, यानी कि एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है, एक्स प्राकृतिक संख्याओं का सदस्य है। तब आपको बताना है एक ऐसी संख्या जो, ध्यान से समझेंगे, इधर 5 है इधर 7 है, जो 5 से तो बड़ी है और 7 से बड़ी है, एक्स लेस देन 5 जो 5 से छोटी है, है ना, इस केस में कह रहा है कि जो 5 से छोटी है, एक्स लेस देन 5 एंड एक्स ग्रेटर देन 7। तो यहाँ से ऐसी कोई संख्या नहीं मिलेगी हमें जो 5 से छोटी हो और 7 से बड़ी हो। तो इस केस में भी इस सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट हमें नहीं मिलने वाला है। तो ये जो स्टेटमेंट हमें गिवन है, ये स्टेटमेंट भी कैसा है, नल सेट या रिक्त समुच्चय के लिए है। तो ये एक एग्जाम्पल हो जाएगा रिक्त समुच्चय या नल सेट का। नेक्स्ट हम बात करेंगे फोर्थ की। फोर्थ कह रहा है कि वाई सच दैट वाई इज अ पॉइंट कॉमन टू एनी टू पैरेलल लाइंस। कह रहा है कि वाई इस प्रकार है कि वाई की नहीं, दो समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु है। अब देखो समांतर रेखाएं कैसी होती हैं, आपको पता है कि समांतर रेखाएं एक दूसरे को कभी भी नहीं काटती हैं, तो इस तरीके से हम समांतर रेखाएं या पैरेलल लाइंस को बनाते हैं। क्या इन दोनों लाइंस पे कोई भी एक कॉमन पॉइंट मिलेगा? नो, कॉमन पॉइंट कब मिलता, जब ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को किसी एक बिंदु पे कट करती, या फिर इन दोनों का ये कॉमन पॉइंट मैं बोल सकता हूँ, ये क्या होगा इस समय पे, कॉमन पॉइंट होगा, ठीक है ना। जैसे कि हमने कहा कि ये त्रिभुज है भाई, तो इनमें से उभयनिष्ठ रेखा कौन सी है, इन दोनों त्रिभुज में उभयनिष्ठ रेखा कौन सी हो जाएगी, ये वाली, तो ये कॉमन लाइन हो जाएगी। लेकिन जब पैरेलल लाइंस की हम बात करेंगे तो इनमें हमें कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं मिलता है। तो जो स्टेटमेंट 4 है उसे भी हम क्या बोलेंगे कि ये एक नल सेट, ये एक
नल सेट या रिक्त समुच्चय का एग्जाम्पल है, कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं होगा इसका, मतलब सेट ए के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं मिलेगा, या तो हम कर्ली ब्रैकेट बोलेंगे या बोलेंगे फाइव, ठीक है ना। सो कॉपी करेंगे इसको,